हे गाइज, आज हम कुछ इस टाइप का नाइट मून फोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे। पूरा सिंपल ट्रिक है गाइज, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गैलरी में जाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद गैलरी में किसी भी एक फोटो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देख सकते हो गाइज, ऐसे बहुत सारा फोटोज क्लिक किया मैंने, कैसे एडिट करूँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद गैलरी में एक ऑप्शन मिल गया मेरे को, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर लिया मैंने, शायद ये ऑप्शन सभी फोन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्काई वाला ऑप्शन में जाएंगे, देख सकते हो गाइज इधर बहुत सारा स्काई का इफेक्ट मिल जाएगा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये इफेक्ट को सिलेक्ट किया, देख सकते हो गाइज एक ही क्लिक में फोटो हमारा कितना अच्छा से एडिट हो गया। लेकिन ये आप गलती कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही डायरेक्टली सेव कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, फोटो में थोड़ा भी क्लैरिटी नहीं है और पूरा फेड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। साइड में देख सकते हो गाइज, थोड़ा एडिट करने के बाद फोटो हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ऐसे ही एक ही क्लिक में सेव कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो एडजस्ट में जाके थोड़ा एडिट कर देंगे। पहले ब्राइटनेस को माइनस का सेट लेंगे, -30 रख देंगे, ठीक है। यह होने के बाद कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे, प्लस का सेट लेंगे, ठीक है। +45 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद विग्नेट में जाके माइनस का सेट लेंगे, ठीक है। उसको भी -55 रख देंगे, ठीक है। यह होने के बाद शार्पनिंग में जाएंगे, शार्पनिंग को बढ़ाएंगे थोड़ा, प्लस का साइड इतना रखेंगे। उसके बाद हाइलाइट्स में जाएंगे, हाइलाइट्स को +100 कर देंगे, ठीक है। और शैडोज को -15 कर देंगे, ठीक है। अभी देख सकते हो फोटो का बिफोर आफ्टर, थोड़ा एडिट करने के बाद फोटो हमारा कितना गजब लग रहा है, देख सकते हो। उसके बाद सेव कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली एक ही क्लिक में एडिट करके छोड़ देते हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। देख सकते हो कितना अच्छा क्लैरिटी के साथ एडिटिंग हो गया। अभी और एक फ़ोटो को एडिट करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। किसी भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, यह फ़ोटो को थोड़ा अलग प्रकार से एडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है, यह मून को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देख सकते हो बहुत सारा मून है, आपको जो अच्छा लगे आप ऐड कर सकते हो। ये फोटो का साथ ये मून बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट किया। एडजस्ट में जाकर थोड़ा एडिट कर देंगे। एक्सपोजर को रखना है +55, ठीक है। ब्राइटनेस को रखना है -22। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को +35, ठीक है। ये होने के बाद सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, इतना रखना है, +14। आपका फोटो के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वाइब्रेंस में जाकर वाइब्रेंस को भी प्लस का साइड लेंगे, +35 इतना रखना है, ठीक है। उसके बाद विग्नेट में जाकर थोड़ा डार्क कर देंगे साइड साइड में, माइनस का साइड लेंगे -59, ठीक है। उसके बाद शार्पनिंग को भी बढ़ाएंगे थोड़ा, +18 रख देंगे। ये होने के बाद हाईलाइट्स में जाएंगे, हाइलाइट्स को रखेंगे +11, ठीक है। शैडोज को कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद डन। फोटो का बिफोर आफ्टर देख सकते हो, सनलाइट फोटो को नाइट मून फोटो कर लिया। उसके बाद यहां से सेव कर देंगे, अभी जाएंगे सीधा लाइट रूम में ऐड करेंगे, ठीक है। देख सकते हो लाइट रूम के अंदर फोटो हमारा आ चुकी है। अभी क्या करना है, सिलेक्टिव टूल में जाना है। उसके बाद फास्ट ब्रश को सिलेक्ट करके साइज और फेदर को ऐसे कम ज्यादा रख सकते हो, ठीक है। एडजस्ट होने के बाद ऐसे सीधा स्ट्रेट पेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद रबर में जाके साइज और फेदर को एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद साइड साइड में ऐसे थोड़ा इराज कर देंगे, ज्यादा हो गया थोड़ा। अभी जाएंगे सीधा लाइट में, उसके बाद एक्सपोजर को प्लस का साइड लेंगे, पूरा बढ़ाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को -100 कर देंगे, हाइलाइट्स को भी +100 कर देंगे, शैडोज को भी +100 और ब्लैक को +35, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स में जाएंगे, क्लैरिटी को बढ़ाएंगे प्लस का साइड, +50 इतना रखना है, ठीक है। और थोड़ा इरेज कर देंगे, अभी भी ज़्यादा लग रहा है मेरे को। जैसे थोड़ा रियल लगेगा ऐसे ही करेंगे, मून लाइट का लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है जैसे, ऐसे लगेगा।
इतना करने के बाद बिफोर पिक्चर देख सकते हो, उसके बाद राइट का ऊपर क्लिक कर देंगे, डन। फोटो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। आप ऐसे डायरेक्टली वन क्लिक में एडिट कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी और एक ट्रिक बाकी है, ठीक है। ऑप्टिक के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लेंस प्रोफाइल और रिमूव क्रोमेटिक को एनेबल कर देंगे। ये होने के बाद कैमरा वाला आइकॉन में जाएंगे, उसके बाद निकॉन कर देंगे, ठीक है। अभी देख सकते हो फोटो का बिफोर पिक्चर पूरा स्ट्रेट हो गया फोटो हमारा, ठीक है। पहले फोटो हमारा ऊपर साइड से उठा हुआ है ऐसे लगता था, अभी देख सकते हो पूरा स्ट्रेट हो गया। आपका हिसाब से आप कर सकते हो, नहीं करेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी अच्छा लग रहा है फोटो हमारा। अभी फोटो को सेव कर देंगे गैलरी में, यहाँ पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस, फोटो हमारा सेव गया गैलरी में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।